अटेंडेंस काफ़ी अच्छी रही। मैं समझता हूँ इस बार कुल पेपर प्रेजेंटेशन करीब करीब भोपाल में जितने थे उतने ही हो, थोड़ा बहुत हो सकता है दो चार का फर्क हो। और कुछ अटेंडेंस कमी सिर्फ 2 वजह से रही, एक तो कुछ लोग आचार संहिता लागू होने की वजह से नहीं आ सके, क्योंकि तो अपना जो भी भारत के नियम है चुनाव के उस हिसाब से अपना स्टेशन वो नहीं छोड़ सके। बाद में उनको हमने ऑनलाइन के लिए आमंत्रित किया और उसमें से कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। दूसरे कुछ लोग इसलिए नहीं आ सके कि क्योंकि उसके तुरंत कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही होली थी और कई परिवारों में होली का पहले से प्रोग्राम रहता है, सारा परिवार के लोग आते हैं, भाई बहन ननद देवर भाभी जी, तो गृहिणी के लिए वो छोड़ना घर छोड़ना बहुत मुश्किल है। हमारे जैसे पुरुष लोग तो बाहर खड़े होते हैं, पर एक जो महिलाएं हैं बहनें हैं भाई माताएं हैं उनके लिए मुश्किल है, तो इसलिए कुछ लोग उससे नहीं आ सके। तो अगर ये आचार संहिता वाला इशू नहीं होता या होली से बिल्कुल लगे हुए कॉन्फ्रेंस होते, तो मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 15 से 20% लोग और ज़्यादा होते। तो करीब करीब इस कॉन्फ्रेंस में लेवल वही रहा जो भोपाल अधिवेशन में था। तो ऑनलाइन भी अटेंडेंस में समझता काफ़ी अच्छी रही, और जो वहाँ फेस टू फेस में भी जो प्रेजेंटर्स थे अच्छे रहे। जहाँ तक पेपर की क्वालिटी का सवाल है, वो तो हर कॉन्फ्रेंस में होता है, तो बड़े बड़े एकेडमिक कॉन्फ्रेंस होते हैं उनमें भी होता है। कुछ पेपर बहुत अच्छे होंगे, कुछ पेपर्स मध्यम श्रेणी के होंगे, कुछ बेकार होंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसका भी एक प्रोसेस है कंट्रोल करने का, पर हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जो बड़े बड़े धांसू रिसर्चर हों वही बहुत बड़ी रिसर्च करके आए प्रस्तुत करें। हम हमारा उद्देश्य है कि लोग रामायण को पढ़ें, थोड़ा समझें, थोड़ा चिंतन करें और उस प्रकार उस पर अपने विचार व्यक्त करें। हाँ, जो लिखी कहानियाँ लिखी हैं उसको आके वैसा का वैसे कह दें वो तो फिर ठीक नहीं है, पर कुछ उन्होंने चिंतन किया है, कुछ विचार किया है, कुछ अपने शब्दों से कुछ लिखा है, तो उतना ही मैं समझता हूँ पर्याप्त है। क्योंकि कम से कम इस बहाने लोग रामायण को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक पेपर क्वालिटी का सवाल है, कई पेपर बहुत ही उत्तम क्वालिटी के थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो अच्छे अच्छे जो एकेडमिक जर्नल्स हैं उसमें पब्लिश हो सकते हैं, और तो क्वालिटी तो इस एक छोटी एक समस्या रहती है, समय का जो पालन नहीं करना है। इवन संचालकों के बार बार विनती करने के बाद में भी 10 मिनट का लोगों ने, कुछ लोग बहुत कम लोग थे ऐसे, 15 मिनट भी 20 मिनट, और वो मतलब कोई अनुशासन का कोई पालन नहीं, ये मैं नहीं समझता हूँ, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उससे फिर क्या होता है कि एक तो मैं संदेश ही गलत जाता है कि अरे ठीक है उनको 20 मिनट मिले तो हमको कम, हमको कम क्यों नहीं। तो समय की मर्यादा का पालन करना बहुत बहुत आवश्यक है, और इसका उल्लंघन कुछ लोग करते हैं, और जो करते हैं वो कुछ इतना ज़्यादा करते हैं कि वो मतलब सुनते ही नहीं किसी की तरह से। तो पर वैसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 10% लोग, 10-15% लोग ऐसा करते हैं, पर वो जो भी है वो ठीक नहीं। ठीक है, मैंने बहुत सारी इधर उधर की शिकायतें कर ली, मैं क्षमा क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। तो आपको क्या कैसा लग रहा है? आप प्रशंसा करेंगे, मुझे पता है, हाँ बहुत बढ़िया, और आप प्रशंसा सबको पसंद है, शिव जी को पसंद है, प्रशंसा है राम को पसंद है, कृष्ण को पसंद है, सबको पसंद है, तो भगवानों को पसंद है, तो हम तो मानव हैं, तो हमें भी प्रशंसा पसंद है। पर इसके साथ में ये भी बताइए कि जो मैंने बातें की हैं उस पर आपके क्या विचार है? आपकी और कुछ ना हो तो कोई बात नहीं, बाद में विचार करके बता दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं। और इस काम को हमको किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, अभी 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 मीनू दीदी बता रही थी कि 2 सप्ताह के लिए इंडिया गई, आकर बहुत तक गई। अब आप मीनू दीदी हमसे बहुत बड़ी हैं, वो तो इस अवस्था में उनका स्वास्थ्य को देखते हुए भारत जाके आ जाती हैं, बहुत बड़ी बात है। अब हमसे भी अब ये नहीं होता, हम भी बहुत थक जाते हैं, और इट्स वेरी टायरिंग जर्नी, यहाँ से भारत की जर्नी जाके आना इट्स जस्ट फिजिकली फिजिकली एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग। तो फिर भी रुचि है हमारी, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहे, आ रहे हैं अपने अपने स्वांत सुखाए के लिए, अपने मन के लिए, आप सब के दर्शन के लिए आते हैं। और जब भगवान राम जी करेंगे जीवन पर्यंत जब तक अंतिम सांस चले तब तक आते रहें, पर दिन पर दिन थोड़ा मुश्किल तो हो ही रहा है। तो अब आप, मैं बहुत बोल लिया, मेरा इतना कुछ बोलने का मेरा प्लान नहीं था, तो आप मुझे दो दो लोगों के नाम मिले थे जो बोलना चाहते हैं, मैं समझता हूँ सभी बोलेंगे, हमारी आदरणीय स्मिता भाभी और डॉक्टर नीलम जैन जी। तो पर आपस ये फॉर्म सबके लिए खुला है,
आप सबका स्वागत है, अपने अपने विचार व्यक्त करें। और बिल्कुल जो मन की बात हो कहें स्पष्ट, कोई जरूरी नहीं कि जो इनको अच्छी लगे वही बात करें, जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे। कि गाना है ना फिल्मी, तो ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जो हमको पसंद हो वही बात करें, ऐसी भी बात करें जो हमें पसंद ना हो, तो उसका भी स्वागत है। जय श्री राम भाभी, आप शुरू करें सुनता भाभी। जय जय सियाराम। श्री राम। जयपुर कॉन्फ्रेंस हर कॉन्फ्रेंस की तरह सच में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी बहुत बढ़िया रही। अब इतनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तुरंत फर्क दिखता है। और हकीकत में ये मैनेज करना तो बड़ा मुश्किल काम है। कहना सरल है कि कीजिए कीजिए, पर हम सबको समझ के अपना तरफ से जितनी भी आहुति हो सके तन मन धन से देनी चाहिए। जिस तरह के सेशन वाइज वीडियो और पूरी फोटो गैलरी भेजी है शिव भाई ने, बहुत ही अफलातून काम है। अब बस वक्ताओं के लिए एक सुझाव है कि जो समझ के समय का पालन नहीं करते हैं उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट कदम उठा सकते हैं कि उनका माइक इतने मिनट के बाद बंद हो जाए। नहीं समझते हैं तो कुछ सिखाना पड़ेगा। ये राम जी का मंच है, समय मर्यादा तो हमें पालन करनी पड़ेगी। और ये कॉन्फ्रेंस सब सबकी सामूहिक गतिविधि होनी चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए। केवल एक मॉडल पे नहीं चलेगा, बस सबको अपना अपना करना ही है। पार्टिसिपेटिंग मोड पे ही हो सकती है। और इंस्टीट्यूट ISI IM की भी व्यवस्था बहुत सराहनीय रही। स्टाफ मेंबर्स, फैकल्टीज, स्टूडेंट्स सबने बहुत अच्छा किया। और सबसे अच्छा लगा उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अपनी कॉन्फ्रेंस के अनुरूप था। और बिल्कुल राम लक्ष्मण तो जुड़वा भाई, और बहुत बढ़िया रहा। भी व्यवस्था बस बहुत सराहनीय रही। स्टाफ जय सियाराम। थैंक यू। ने ट्रेन में जो स्टाफ बिताया है वो भी एक ऐसे गुना अपने साथ में क्या ही मिल पा। जय 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 श्री राम। थैंक यू भाभी जी। भाभी मैं एक आपको, आपने पता है नाम सुना है कि नहीं, हो सकता है मुझे नाम ठीक से याद भी आ रहा होगा आपसे, तो आप आई एम श्योर आपने कुछ लोगों ने सुना होगा। साथ में जरा म्यूट रखें अपने आपको। श्री राम ललन व्यास, सुना है आपने नाम, किसी ने तो सुना होगा राम ललन व्यास। राम ललन व्यास नहीं, किसी से नहीं सुना। तो ये रामायण के बहुत बड़े विद्वान थे, अब वो नहीं है हमारे बीच। तो 2006-07 में यहाँ ह्यूस्टन में एक हनुमान सम्मेलन आयोजित किया था, उनकी भी कोई संस्था थी, मुझे सब याद नहीं आ रहा। तो 1.5-2 दिन का सम्मेलन था, हालांकि मेरे हिसाब से कोई सम्मेलन कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। वही वाली बात है कि लोगों को सुनने वाने में कोई रुचि नहीं, शाम को कोई इंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो उसमें भले ही आ गए, तो जब 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 जब, जब वक्ता भी होते थे तो 2-4 आदमी, इतना बड़ा हॉल था और 2-4 आदमी दिखाई देते। तो उन्होंने उसके पहले वो देश विदेशों में बहुत सारे रामायण सम्मेलन आयोजित कर सके कर कर चुके थे। मैं तो एक बार उनको मिला, उसके बाद में मुझे उनका दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है रामलल व्यास जी ने उस ज़माने में, जब जिस ज़माने में उन्होंने काम किया, ना तो कोई इंटरनेट था, ना कोई ईमेल था, ना कुछ था। मतलब आप बैठिए भारत में बैठे बैठे आप चिट्ठी पत्र लिख के थाईलैंड भेज रहे हैं, चाइना भेज रहे हैं, बैंकॉक भेज रहे हैं, सारे विश्व में भेज रहे हैं, और वहाँ पर इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। तो जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि उनके जाने के बाद में वो काम खत्म हो गया, बंद हो गया। मैं नहीं चाहता कि ऐसा यहाँ हो कि एक आदमी या कोई दो 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 तीन लोग कुछ कर रहे हैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, और वो अस्त होने के बाद में काम बंद हो जाए। ये काम किसी भी एक व्यक्ति पर निर्धारित नहीं रहने चाहिए, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बाकी लोग इन्वॉल्व हों, ताकि सब इस तरह का काम चलता रहे। तो रामलल व्यास से परिचित यहाँ पर आप सब जानते हैं उषा मेहरा जी को, उषा मेहरा जी उनके बड़े क्लोज थी। तो बाद में उषा जी से कई बार बात की कि आपके पास उनके जो संपर्क हैं वो कुछ हैं, बोले हाँ उन्होंने मुझे एक बार कहा था, पर मैंने कोई बहुत
वो उस समय वो स्वयं भी जॉब वॉब करती थी, तो उनके पास भी शायद से बात समझ नहीं था, तो वो सारे संपर्क वगैरह सब गायब हो गए। तो मैंने कहा इतना बड़ा वो व्यास राम व्यास ये काम कर गए और उसको आगे आगे बढ़ाना चाहिए, अब आगे बढ़ाने के भाई जी उनके जाते ही वो काम भी सारा बंद हो गया। तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति पर कोई चीज़ डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बहुत आवश्यक चीज़ है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नीलम ओम जैन जी, आप, ओम जी, ओम हाँ जी, आ उनका नाम लल्लन प्रसाद व्यास था मेरे ख्याल से, लल्लन प्रसाद वही है व्यास, क्या हाँ ये होगा, वो यही कहा ना, मुझे ठीक से नाम याद नहीं हो सकता। लल्लन प्रसाद, लल्लन जी? आप जी लोग कोई गूगल कर लेना, मिल जाएगा लल्लन प्रसाद व्यास होगा, हाँ ये होगा, ये मैंने कहा जी मुझे जी रामलल्लन व्यास ऐसा कुछ याद है, हाँ लल्लन प्रसाद व्यास ये जी होगा। वो लल्लन देखिए प्रसाद, वो हाँ पत्रकार, वो पत्रकार भी थे, बहुत उच्च कोटि के चिंतक भी रहे हैं वो। बहुत ऊँचे, हाँ हाँ ये बैकग्राउंड में जैसे बिल्कुल याद नहीं है, लल्लन प्रसाद व्यास ये होगा। तो उन्होंने बहुत काम किया उस समय, काम किया ना, आप सोचिए ना, आजकल तो हम लोग ईमेल और व्हाट्सएप से फटाफट आप सबसे कम्युनिकेशन कर लेते हैं, उसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता है, न समय लगता है। उस समय उन्होंने ये काम किया जब ये सब साधन नहीं थे, न व्हाट्सएप था, न ईमेल था, न कुछ और था, बस गुड ओल्ड फैशन चिट्ठी लिखो, पोस्ट ऑफिस जाओ, वहाँ डाक में डालो, वो वहाँ 10-15 दिन बाद पहुँचेगी, वहाँ से 10-15 दिन बाद जवाब आएगा, इस तरह से उन्होंने ये काम किया। हाँ ललन प्रसाद व्यास से थैंक यू आदित्य जी। डॉक्टर नीलम जैन आप जुड़े हैं, हाँ आप जुड़े हुए हैं, हाँ जय जिनेन्द्र आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने वीडियो ऑफ कर लिया शायद कोई कारण वजह से है। अनम्यूट कर रहे हैं नीलम जी। जी, मैं सबसे पहले कहूंगी कि पूरा अधिवेशन जिसमें हमारे आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी के साथ सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जिसको जिसको घर में प्रेम मिलता है, जो घर में समायोजन कर सकता है, वो बाहर भी समायोजन कर सकता है। घर के भाइयों का जितना एक संबंध हो, हमें नीलम जी आप डिस्कनेक्ट हो गए, हाँ नीलम जी अनम्यूट आवाज आ करिएगा, रही है मेरी? ये हाँ बार हाँ बार आ रही है कट, जी, कुछ आ रही आ प्रॉब्लम रही है। आ रही है। मैं ये कहती हूँ, इतना सुंदर समायोजन हुआ, सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, और जिसमें अनुभव, दूरदर्शिता, परिपक्वता, समायोजन क्षमता, प्रबंधन क्षमता, और सबके साथ प्रेम की भावना, सौहार्द की भावना, सबके स्तर की, सबकी भावनाओं का ख्याल रखने की भावना, जो सारा संगठन क्षमता है वो भाई सब के अंतर्गत है। वो घर से लेकर देश विदेश तक सबको जोड़ने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले अपने परिवार को जोड़ के रखते हैं, दोनों भाई कंधे से कंधे मिलाकर। आपने फिर डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ नीलम जी आप बोलिए, आप हैं कनेक्टेड, हाँ अनम्यूट करें। हाँ, सबसे बड़ी, मैं बहुत शॉर्ट में कहूंगी, कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार कट रहा है, कि सबसे पहले पेपर के शोध सार में एक एक पेपर का चयन और पढ़ना, और उसको कोई सहज नहीं होता, और सबको स्थान देना। आपने सबसे बड़ी अच्छी बात की कि हम नहीं आ पाए, मेरे पैर में इंजरी हो गई थी, लेकिन आपने जूम के माध्यम से जो व्यवस्था की है, वो इतनी सुंदर व्यवस्था थी कि वहां बैठे हुए भी हम, घर से बैठे हुए भी हम वहां का पूरा आनंद लेते रहे। टेक्निकल सारा उसके अंदर ये सौंदर्य आ सकता।
किसी को हताश और निराश नहीं होने दिया, हम सबको दूर से भी ऑनलाइन पेपर के माध्यम से जोड़े रखा और सारे पेपर्स बहुत सुंदर थे। मैं तो भाई साहब आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारा ये कुंभ, ये हमारा यज्ञ, ये हमारी अच्छा साधना प्रतिवर्ष चलती रहे और आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह से मिलते रहे, यही मेरी भावना है और यही आपके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपने जिस तरह इसका समायोजन किया, निश्चित रूप हमारा उत्साहवर्धन हुआ, उमदास बनी और सर प्रणाम, मैं भी कुछ हाँ निवेदन करना चाह रहा था अगर अनुमति मिले। आप अपना नाम बताएं, क्योंकि आपका नाम मुझे यहाँ। मेरा नाम सर दिनकर शर्मा है, जयपुर से बोल रहा अच्छा रामचरितमानस के प्रारंभ हूँ। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मंगल हमने प्रस्तुत कर रहा है। हाँ सॉरी क्षमा करें जरा, ये कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ दिनकर, आप दिनकर दिनकर शर्मा बोल रहे हैं। जी सर जी, मैं एक मिनट आपका नामकरण कर दूं जरा। हाँ बोलो दिनकर। हाँ सर प्रणाम। मैंने 23 तारीख को राम मंदिर में उपयोग में लिए गए रेड सैंडस्टोन पर अपना पेपर प्रस्तुत किया था। बेसिकली भरतपुर से हूँ मैं सर। एक छोटा सा सुझाव देना चाह रहा था, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको कुछ सुझाव दे नहीं नहीं सकूँ। नहीं आपने सब सब लायक है यहाँ पर, कोई मुझे नहीं आपको मौका नालायक। दिया वहाँ बोलने का। मैं सर निवेदन ये कर रहा था, जैसे आपकी बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था, कुछ चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे थे आप। सबसे बड़ा चैलेंज सर, जैसे आपने हनुमान जो महोत्सव की चर्चा की, तो एक चैलेंज अब हमारे सामने ये रहेगा कि आपके इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। देखिए सर, जितने भी पेपर पढ़े गए, मैंने ये महसूस किया गया कि वो कोर धार्मिक विषयों पर आधारित थे, और हमारे सामने अब चैलेंज ये रहेगा कि जो नई पीढ़ी है, हमारी नई जनरेशन है, उसको इस कार्यक्रम से कैसे जोड़ा जाए और इस तरह के कार्यक्रमों से और लोगों को कैसे जोड़ा जाए। आज की जो नई जनरेशन है, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, चाहे मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, या हम जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए एकेडमिक लोग हैं, अगर हम जरूरत से ज़्यादा कोर धार्मिक विषयों को और अत्यधिक दार्शनिक विषयों को इस तरह की कॉन्फ्रेंसिस में लेंगे, तो जो नई पीढ़ी है शायद उसका थोड़ा सा अटैचमेंट कम रहेगा। अगर हमें इसकी संख्या में वृद्धि करनी है, हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि 5 से 10% या 15% या 20% कुछ ऐसे रिसर्च पेपर उसमें रखे जाएं जिसमें लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग की बात हो, कि राम रामचरितमानस को, राम कथा को, रामायण को साइंस से जोड़कर नई पीढ़ी को ये बातें सिखाई जाएं। क्योंकि नई पीढ़ी आज की नॉलेज से ही कनेक्ट हो सकती है, पुरानी नॉलेज से कनेक्ट नहीं हो सकती। अगर हम जरूरत से ज़्यादा धार्मिक और दार्शनिक, वो अच्छा है सर, वो जो मूल बातें वो तो रखनी ही पड़ेंगे, लेकिन नई पीढ़ी को अगर ये कार्यक्रम आपको आगे चलाना है और नई पीढ़ी को जोड़ के रखना है, तो कुछ इस इनपुट इसमें आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस को भी जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि राम की कहानी आज की जनरेशन को एक लॉजिक के साथ और साइंटिफिक तौर तरीके के साथ समझ में आए। ये मेरा कहना था सर। ओके, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी, अगर हाँ अनुमति, हाँ विंदर जी कहिए। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम करते हैं, और जो अभी हम लोगों ने हाल में जयपुर में जो 6ठा अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन में भाग लिया, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इसका हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। और उसके अलावा जो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग उनको सुनते हैं, तो उससे एक बात समझ में आती है कि हमको अध्ययन करके उसमें चिंतन मंथन करने के लिए प्रेरणा मिलती है रामचरित भवन से। और मेरा अपना खुद मानस पढ़ने का और चिंतन करने का एक रुझान उस तरफ डेवलप हुआ। पहले भी एक दिशा थी इस तरह से सोच की, लेकिन जब एक ऐसा स्थान मिला, ऐसे लोग मिले, तो उसको बल मिल गया। दिनकर जी जो अभी बात कह रहे थे, शायद उन्होंने सबके पेपर सुने नहीं। अगर उन्होंने सबके पेपर सुने होते तो उनकी यह शिकायत कदापि नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने सारे पेपर ही सुने हैं।
हाँ, ऑनलाइन मैं सारे नहीं सुन पाई क्योंकि होली की वजह से यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक समारोह हो रहे थे होली मिलन के लिए। मुझे तो नहीं लगता है कि 90% पेपर जो अधिवेशन में जयपुर में पढ़े गए सब बहुत तार्किक, वैज्ञानिक और दार्शनिक सभी तरह के थे। मैनेजमेंट वहाँ था, साइंस वहाँ थी, दर्शन वहाँ था, तर्क वहाँ थे, ज्ञान वहाँ था, बुद्धि वहाँ थी। तो दूसरा मेरा अपना ये कहना है कि इसको कोई भी प्रशंसा ना समझा जाए, ये बिल्कुल सत्य है। आज ही मैं विजया जी और हम लोग फोन पे दोपहर में बात कर रहे थे आपस में, आप यहाँ सामने नहीं कह पाते हैं, कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी परंपरा और संस्कृति कुछ ऐसी है। तो ओम जी को हम लोग, मैं संत मानती हूँ, और जिस तरह संत के संपर्क में आना आपके जीवन को अगर बदलता है तो वह व्यक्ति संत ही है। और यही मैंने कहा कि वो एक ऐसे संत हैं जो पैंट बुशर्ट पहनते हैं, क्योंकि बहुत सारे संत ऐसे देख रहे हैं जो वेशभूषा तो संत की बनाए हुए हैं पर उनके अपने क्रियाकलाप वैसे नहीं है कि मन से एक श्रद्धा भी आए। उनकी बात दो सेंटेंस सुनने के बाद ही ना तो जीवन बदलता है ना आप पे प्रभाव होता है। तो जो व्यक्ति का क्रियाकलाप आपके जीवन को दिशा दे सकता है, चाहे वो अध्ययन की तरफ ही क्यों ना, कोई बहुत बड़े कार्य को हम जैसे लोग नहीं कर सकते हैं जो निहायत घरेलू गृहिणी हैं और अपना काम कर रहे थे पूरे शिद्दत के साथ जो घर गृहस्थी का काम है। अगर हमको एक दिशा मिलती है अपने जीवन में तो जो कहना है कि आगे कैसे चलेगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप ये जो छोटे छोटे कण इधर उधर बिखेर रहे हैं, तो इतने बीज डाले जाते हैं खेत में, हर बीज से पौधा नहीं होता है लेकिन कुछ बीज अंकुरित भी होते हैं और फलते फूलते भी हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अपना काम करिए, हम सब लोग पूरे अपने प्रयास से लगे हुए हैं। भगवान राम ही हम लोग को शक्ति देंगे, वही मार्गदर्शन करेंगे हम लोगों का, और आपका ये कार्य विश्व के कोने कोने में धीरे धीरे पहुंचेगा, क्योंकि ये सब कार्य बहुत धैर्य का है। हम लोगों का सबका भाव वही है, और जैसे कि बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि जब से राम मंदिर बना है, सच बताऊं तो मेरी अभी तक अंतर मन से इच्छा नहीं हुई है वहां जाने की। मैं कान पकड़ के माफी मांगते हुए ये बात कह रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर देख देख के ये दिख रहा है कि लोकप्रियता की रुचि वहां खींच रही है लोगों को, सिर्फ और सिर्फ लोकप्रियता की रुचि। कोई बड़ा लेखक बन सकता है, कोई बड़ा गायक बन सकता है, कोई बड़ा वक्ता बन सकता है, कोई बड़ा भजन सम्राट बन सकता है, मैं बहुत फिर से कान पकड़ रही हूँ, लेकिन वो फोटो डालना, भगवान पीछे आप आगे, सेल्फी लेना, आप किसको आगे कर रहे हैं? अध्याय में जाके स्वयं को आगे कर रहे हैं, भगवान को तो आपने पीछे कर दिया। एक बार दर्शन करिए, आत्म सुख के लिए गए हैं। तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य इतना पवित्र है, इतना सच्चा है, और सच्चे काम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, वो आगे बढ़ता रहेगा। हम लोगों को नहीं पता है कि वो कैसे आगे चलेगा। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद। इसमें प्रणाम कुछ भाई साहब। कहना चाहेंगे? हम भी धन्यवाद कहें क्या आपका? नारा दिनेश जी, एक एक थोड़ा इनकी जो बात पर एक जी थोड़ी जी सी कमेंट करना चाहता हूँ। जो इन्होंने बात कही बड़ी हिम्मत से कही, लेकिन जब मंदिर बनाए मेरा कुछ वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा। ये इस युग में इस तरह की बात करने का मतलब है आप एंटी हिंदू हैं, एंटी इंडिया हैं, एंटी सनातन धर्मी हैं। आपको ये पब्लिक में बात फैल जाए तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, ऐसी बात कहने पर। जो जो माहौल आजकल भारत में है, बिल्कुल ठीक यही अनुभूति मेरी है। ये बात शायद मैं एक दो बार यहाँ कह चुका हूँ, कुछ लोगों ने सुनी हो। मैं करीब 10-15 वर्ष पहले, 12-13 वर्ष पहले मैं कानपुर रेगुलरली जाया करता था। वहाँ पर एक है सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या क्या नाम है उसका, वहाँ के डायरेक्टर है मेरे, जो समय डायरेक्टर थे मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। और वो बोले जब भी आप इंडिया हो आप यहाँ कानपुर मेरे इंस्टीट्यूट में आ करिए और एक दो कुछ हमारे फैकल्टी के लिए प्रोग्राम करिए। तो मैं वहाँ जा अगर ज़्यादातर मैं फैकल्टी के लिए प्रोग्राम करता था, फैकल्टी को कैसे पढ़ा मैनेजमेंट पढ़ाया जाए, कैसे रिसर्च की जाए, इस तरह के वर्कशॉप। तो एक बार मैंने उनको कहा कि पृथ्वी, उनका नाम डॉक्टर पृथ्वी यादव है, मैं प्रेम से उनको पृथ्वी कहता हूँ, पृथ्वी यार मुझे यहाँ पे अयोध्या जी जाने का मेरा मन है,
तो उन्होंने उन्होंने कहा और बड़े बिल्कुल सच्चे भाव से कहा कि बोले डॉक्टर गुप्ता, नोबडी गोस टू अयोध्या, यू नो वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, इट्स नॉट गुड टू गो देयर। ये उनके शब्द थे। और मुझे बड़ा धक्का सा लगा कि नोबडी गोस टू अयोध्या, बोले वहाँ कोई जाना, इट्स नॉट सेफ टू गो, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, सेफ नहीं है, वहाँ कोई जाता वाता नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा चलो आप, मैं तो कानपुर में हूँ, गंगा जी यहाँ हैं तो चलो गंगा स्नान ही करवा दो। बोला बहुत गंदगी है वहाँ, कोई गंगा स्नान नहीं करता है। पर मैं जिद जिद पड़ गया, मैंने कहा यहाँ तो भेज ही दो। तो उन्होंने ड्राइवर भेज दिया, सुबह पहुँचा और जिस घाट पर मैंने गंगा स्नान किया, आप में से कोई नहीं करेगा, वो इतनी गंदगी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पर मैं उस समय कुछ ऐसे भावावेश में था, मैंने कहा ठीक है जो भी है तो गंगा जी, कूद पड़ा मैं तो गंगा जी में। ड्राइवर भी देख रहा था कि एक ऐसा बेवकूफ़ है, यहाँ कोई नहीं जाता और ही जा रहा है इसके अंदर। एनीवे, तो ये एक अयोध्या जी के बारे में भावना थी। पर मेरे मन में भाव रहा तो सबसे पहले मेरे अनुज यहाँ श्याम बैठे हुए हैं, हम दोनों ने मन बनाया कि हम चलते हैं चित्रकूट। और कब किस साल गए थे श्याम? 2016-17, डू यू रिमेम्बर? 17 में 17 में, 2017 में हम लोग गए थे। तो मैं तो आलसी आदमी हूँ, श्याम ने सारा इंतज़ाम किया। आगरे से हम ट्रेन में बैठ के चित्रकूट पहुँचे, एक दिन चित्रकूट में। वो अब तक अब इस बात का अफसोस है कि एक दिन चित्रकूट में तो पूरा सप्ताह चाहिए, इतनी सुंदर सुंदर स्थान है। और खैर वहाँ से रात की ट्रेन में भी लखनऊ, लखनऊ से टैक्सी से वहाँ अयोध्या, और अयोध्या में दर्शन वर्शन करके, रामलला तो उस समय टेंट वेंट में थे, और दर्शन करके आ गए। और पिछले साल जब ये मंदिर बन रहा था, तब हम दोबारा, मैं और मेरी पत्नी और मेरी छोटी साली, हम लोग गए थे बनारस काशी, और वहाँ से अयोध्या जी आए थे। तो उस समय ऐसा कुछ संयोग मिला कि जो वहाँ के जो जो पुलिस अफसर थी, एक सीनियर अफसर थी, वो हमें बिल्कुल जहाँ पर रामलला स्थापित हुए हैं गर्भगृह, वहाँ तक मुझे ले गई। और उस गर्भगृह पर मुझे ढोक लगाने का अवसर मिला, और बड़ी मन में आस्था थी कि मैं जब बनेगा अवश्य आऊँगा। पर उसके बाद में जो राम मंदिर का पोलिटिसाइजेशन हुआ है, जितना ज़्यादा पॉलिटिकल उसको बना दिया है इन राजनीतिक दलों ने, और अब तो वहाँ पे यही, जैसे आपने, मेरे को बाद में कई लोगों ने वहाँ से मंदिर में जा रहे हैं वहीं से सेल्फ सेल्फी लेके मुझे फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो भेज रहे हैं, मेरे भगवान के दर्शन तो कर लो, फ़ोटो फोटो बाद में भेज देना। तो सारा काम मैं समझता हूँ 90% लोगों का वहाँ जाना ही लोग चाहते हैं, ताकि बाकी और लोगों को बता सकें, परिवार के लोगों को, बिल्कुल दोस्तों को, कि मैं देखो राम मंदिर होके आ गया। उनका उद्देश्य राम से कोई लेना देना नहीं, उनका उद्देश्य यही है दुनिया को बताना कि देखो मैं राम मंदिर होके आ गया। सो अब मेरा भी कोई बस राम मंदिर जाने, राम तो 10 साल पहले भी वहाँ, राम मंदिर क्या है वो मंदिर, तो अभी बनाए हैं वो भी, आज आज की जो शब्द आज 20 साल पहले हम मस्जिद के लिए प्रयोग करते, ढांचा, ये भी एक ढांचा है, इन मनुष्य का बना हुआ ढांचा है, मंदिर क्या है? भगवान तो वहाँ इसलिए जाते हैं कि वहाँ भगवान प्रकट हुए हैं उस भूमि पर, उस धरा पर। वो तो हजारों साल पहले की बात है, वो बात 10 साल पहले भी वैलिड थी, आज भी है, 100 साल पहले भी वैलिड थी। तो उससे उसका कोई महत्व न बढ़ता है न घटता है, पर आप उसको इतना ज़्यादा पॉलिटिकल कर दिया है और इतना ज़्यादा कमर्शियल कर दिया है, क्योंकि जो मेरे जैसे लोग तब तो आज बहुत कोई विशेष आस्था नहीं रही कि भगवान ठीक है कभी उधर गए तो दर्शन तो कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम एनीवे, विषय बदल गया, भी विनय, यही कहना चाहते हैं, अवसर मिलेगा तो जाएंगे, जरूर जाएंगे, हाँ, बिल्कुल जाएंगे। और ऐसा मन लेकिन में ऐसा कोई बहुत ऐसा उत्साह हाँ, नहीं है, लेकिन नहीं ये कह ऐसे रहे, कोई इतनी वो नहीं है हाँ कि इससे उससे पता करें और हाँ जाएं भागे हुए। ऐसा कोई मन में बहुत उत्साह ओम नहीं जी, है। ओम जी, विनीता हाँ जी, मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। हाँ कही कही अच्छा, अभी मैं स्वभावतः राम मंदिर की बात नहीं कह रहा हूँ, स्वभावतः मैं किसी भी धार्मिक स्थल में जा करके, कुछ बड़े धाम में भी जा करके अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाता। मेरे मन की जो श्रद्धा है वह वहां पर वो प्रस्फुटित नहीं होता, ना जाने क्यों। और जब मैं अपने घर के मंदिर में आता हूँ तो वो मेरे भगवान है, मुझको दिखना शुरू हो जाते हैं, मैं उनके साथ संवाद करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, यह अनुभव है मेरा। और मेरी जो साहित्यिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, ये इसका प्रतिफल है। और मैं अपने माता से जब कहता हूँ कि मैं तीर्थ स्थान जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं वहां पर एकाग्र नहीं होता, वहां पर मुझको वो भगवान दिखते नहीं, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन मुझको पिछले दिनों अयोध्या जाने का अवसर मिला,
और वो ट्रस्ट का कार्यक्रम था, उनका इनविटेशन था, मुझको अपना व्याख्यान देना था, उत्तर प्रदेश सरकार का मैं अतिथि था, और मेरे पास मुझ में प्रोटोकॉल के तहत राम मंदिर में शाम को दर्शन करने के लिए गया। मेरे जीवन का पहला अनुभव है किसी मंदिर में जाकर के मेरे अश्रु आए हों। दूसरे दिन मैं सुबह फिर गया, पहले दिन तो प्रोटोकॉल में चला गया, दूसरे दिन मैं लाइन में खड़ा होकर के गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपने अनुभव बता रहा हूं, स्वभाव से मैं विपरीत व्यक्ति हूं, लेकिन वहां जाकर के ना जाने क्यों श्रद्धा मेरी आई। तो मैं लोगों से यही कहूंगा, आप व्यक्तिगत रूप से मान लीजिएगा, दूसरों की श्रद्धा और दूसरों के आडंबर को माध्यम बना करके राम के प्रति श्रद्धा और अयोध्या के प्रति अपने लगाव को कम नहीं करना चाहिए, जब भी अवसर मिले जाए। वो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा देखी थी हम लोग ने टीवी पे, हम सब रो रहे थे, वो जी बात जी नहीं है। जी लेकिन जी हम राम राम की चर्चा कर रहे हैं कि हम स्वयं, कि हम नारद हो रहे हैं सब, नहीं हम अपनी क्या है चर्चा कर रहे हैं। विनीता जी, विनीता जी मैं वही कहूंगा, माफ कीजिएगा मुझको, है ना, आप लोग मुझसे बड़े हैं, लेकिन चूंकि चूंकि ये साधना का पथ है और आप लोग उस पथ के हम लोग सब राह हैं, इसलिए कह रहा हूं। जब कुंभ लगता है ना, तो वहां साधु संत और कुछ मेल चोर छो भी जाते हैं भीड़ का फायदा उठाने के लिए। तो हमको नहीं, हम ध्यान उनकी देना है बात कि ही नहीं किसके कर रहे, तरफ है, हमको उनकी ध्यान बात ही देना नहीं है कर रहे। कि नहीं, हमको ध्यान देना है कि हमारी भावना क्या है, हमारी श्रद्धा, हम दूसरों के श्रद्धा से और दूसरों के आडंबर से हमको उस पवित्र स्थल को क्यों मापना, मेरी श्रद्धा क्या है इस पर मापना है, मुझको क्या प्रभावित कर रहा है ये मुझको देखना है। ठीक है, उनको उनका राम के प्रति श्रद्धा सेल्फी से, उनको रहने दीजिए। वो उससे प्रभावित, आप समझ नहीं पाए शायद जो हम कहना चाह रहे थे। नहीं मैं समझ गया, लेकिन समस्या क्या है कि जब आप जैसे विदुषी और राम पर श्रद्धा रखने वाले लोग ऐसे बात करते हैं ना, तो सामान्य लोग भी हैं, थोड़ा सा भटक जाते हैं और कुछ नहीं। आप तो विदुषी हैं, तो आप अपने आप को जब राम से फिर जोड़ लेंगे, तो बाकी लोग फिर अरे इसको कोट तभी तो हम कह करना रहे शुरू हैं कि कर आप देते हैं। समझ ही नहीं पाए हैं जो हम कहना नहीं, चाह रहे हैं। राम से फिर मैं जोड़ लेंगे जो आप कह रहे हैं ना, जी कटा कौन है राम से, मतलब हम अपने लिए कह रहे हैं नहीं, तो अयोध्या कटा अयोध्या मंदिर से कह दूं मैं, अयोध्या मंदिर से कह लूं मैं, कल आपको मौका मिलेगा और आप अपनी बात को हम करेक्ट कर जरूर सकती जाएंगे, हैं। हम जरूर नहीं जाएंगे, नहीं पर नहीं मैं वही कहा कि आप जब अपने बात जब को उनकी इच्छा होगी तब जाएंगे। आप हम इस बहस जी को हम लोग आपस जी में जी बाद में अलग से बात जी करेंगे। जी 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 मैं तो इसलिए कहा, हमको दूसरे दूसरे के अनुभव को आधार मान करके हम अपने अनुभव को आप पब्लिकली स्टेटमेंट ना दूसरे दें, के अनुभव मैं को कह रहा आधार हूं। नहीं बनाया है हमने, वो आधार कैसे बना सकते हैं दूसरे के अनुभव, वो असंभव कार्य। एक बात बोलो विनीता जी, जितने भी वहां वीआईपी गए थे, 1-1 करोड़ रुपए उनने यहाँ से दिया था, इसीलिए उनको वहां पर बिल्कुल फर्स्ट प्रियोरिटी में दिखाया गया था। ऐसा यहाँ पे मैंने जिससे अभी एक घर बुक कराया है, बिल्डर है यहाँ पर, सेज वाले अग्रवाल ग्रुप है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया था, तो वो जाके वहां पर खड़े हो गए थे, उन्होंने खुद बताया कि हम पैसे दे के आए यहाँ पर। तो इस तरीके के लोग वहाँ इन्वाइटेड थे, और ये लोग रहना भी चाहिए, अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो इतने बड़े बड़े काम होने वाले भी नहीं है। हम तुमसे तो आज ये ISM का ये जो हुआ है 3 दिन का, यही इतना परेशानी भरा हो गया, तो इतना बड़ा राम मंदिर बनना वो तो फिर कल्पना के बाहर की जी बात है। जी जी और देखिए जी देखिए, इसको सेकुलर बनो या कुछ भी अपना दृष्टिकोण रखो, वो एक अपनी वजह हो सकती है हर व्यक्ति की, लेकिन राम का मंदिर बड़ी मुश्किल से बना है, शायद बनता ही नहीं हमारे जीते जी, तो मुझे तो नहीं लगता था कि वो बनेगा भी, जिस तरीके से इस देश का राजनीतिक परिदृश्य है। और कोई भी राजनेता ऐसा दूध का धुला नहीं है, तभी अरस्तु ने कहा था कि राजनीति अंतिम अपराधी का अंतिम आश्रय होता है, जो राजनीति करता है वो व्यक्ति इस प्रकार का होता है, अपराधी प्रकृति का, चाहे वो कोई भी हो। अब उनके नाम गिनने की तो इतनी जरूरत यहाँ नहीं दिख रही, भगवान का चलो नाम ठीक है, गिन लें हम लोग तो भी दो ठीक है। बार तीन बार अयोध्या में मंदिर बन गया, और अपने को तो सब मालूम है ये संसार की चक्र, इसमें कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, किसको पीछे कर दिया जाता है ना। और जिस तुलसी के मानस को अपन ने रखा है, तो उसमें तो साफ लिखा है कि कोई मंदिर जाए ना जाए, कोई कभी राम कीर्तन करे ना करे, लेकिन रामचरितमानस में जो लिखा है वो उसको हमेशा सुनेगा और समझेगा। तो यही राम है ना, जी अच्छा, बिल्कुल, तो मैं आप भी इस बात को भी विराम करके जयपुर अधिवेशन में आते हैं। ओम जी, आपकी परमिशन से मैं अपना अनुभव और कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। और ये बात है, एक आखिरी बात, अब बोल ही रहे हैं तो जयपुर के लिए ये जरूर बोलेंगे, रामचरितमानस की ही भाषा में बोलेंगे, गरुड़ और काकभूषण के संवाद के रूप में ही बोलेंगे, जहां इतनी चर्चा अब हो गई, तो गरुड़ को
काग भूषण जो उत्तर देते हैं जब अयोध्या में राज्य का अभिषेक होता है राम का, तो वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, वर्णम शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। तो जयपुर में इसी प्रकार का रस प्राप्त हुआ और इतने ही सुंदर हमें तो वो अवध जैसे ही लगा, और वहां सभी श्रोता और वक्ता उसी श्रेणी के थे और इसलिए मुझे तो सबसे अच्छा वो भी लगा, वो भी अवध था, वहां भी सारी वैसी अनुभूतियां हो रही थी। जरूरी नहीं है कि अयोध्या जाके अवध हो। तो ओम जी मैं अपना अनुभव कहूं, म्यूट है अब वो, शायद किसी से बात कर रहे हैं। अच्छा तो मैं अनुभव तो मेरा वही है अनुभव, क्योंकि ओम जी के लिए अब आएंगे तो मैं म्यूट में था इसलिए सॉरी, मेरी बात रह गई। ठीक आपने कहा कि आप वहां गए और आपके आंखों में अश्रु आ गए, उसी बात से मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मैं जब पिछले साल गया था अपनी पत्नी और हमारी जो साली जी थी, तो जो उसमें जो मंदिर था पिछले साल, वो आपने कितनों ने देखा मुझे पता नहीं, वो अभी इस समय है कि नहीं क्या पता नहीं उसकी, क्या उन्होंने क्या किया। तो वहाँ पर एक बेंच पे बैठ के हम तीनों जने, और ये कोई कहने वाली बात नहीं है, मैं बच्चों जो छोटे बच्चे फूट फूट के रोते ना, इस तरह में रोने लगा। मुझे खुद को ही नहीं पता मैं क्यों रो रहा था, ऐसा रो रहा था कि ऐसे पता नहीं कैसे बच्चे के हाथ से कोई खिलौना खींच ले, बच्चा कैसे रोता है। तो जो वो जो आर्मी ऑफिसर थी, मिलिट्री ऑफिसर थी, आर्मी ऑफिसर थी, जो भी थी, उनको वो फिर वो मेरी पत्नी से सारी से बात की कि क्या बात, इनको कोई कोई परेशान तो नहीं है कि मतलब कोई इनको कोई कैंसर वैंसर हो या कोई बहुत बड़े कष्ट में हो, क्या है? बोले नहीं कुछ नहीं, किसी को नहीं पता क्या हो रहा था, मुझे खुद को पता नहीं हो रहा था क्या हो रहा था। मैं जितना भी ऐसी पीड़ा हो रही थी, जब बेटी विदा होती है ना, मैं दो बेटियों को विदा कर चुका हूँ, मुझे पता है कितनी पीड़ा होती है उस समय। आपने किसी ने, खास करके जो हम यहाँ पुरुष हैं, सबको कहता हूँ, अगर आपने किसी बेटे को विदा किया होगा तो आपको पता लगेगा, आप रोना चाहते तो रो नहीं सकते, अंदर से इतना रोना आता है, पर आप पुरुष हैं तो रो कैसे रोए, पर बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसा मैं फुट फुट के रोया, ऐसा फुट फुट के रोया, तब कोई राम मंदिर नहीं बना था, उस रामलला के जो दर्शन थे, इतना रोया। तो उनको फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप वहाँ चलना चाहोगे कि जहाँ पर मंदिर बन रहा है, जहाँ और वो बड़ी सिक्योर्ड एरिया था, क्योंकि उस समय तो इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, पर संयोग से उस समय वो कंस्ट्रक्शन बहुत लो लेवल पे था, क्योंकि इस समय आप वो हेडवेट लगा के हार्डवेट लगा के आप जा सकते हैं, तब वो हम वहाँ ले गए। तो मैं बता रहा हूँ कि जो ये जो 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 भाव आते हैं अंदर, वो स्वतः आते हैं, राइट? कोई बहुत बड़ा मंदिर उसको देख के आए ये कोई आवश्यक नहीं है, भाव है वहाँ। अभी भी मैं ये अभी भी कोई मुझे पूछे क्यों भाई ऐसा फोट फोट कर क्यों कर रहा है, आई हैव नो आंसर, क्यों क्यों ऐसा ऐसा क्यों हुआ। अभी भी जो मूर्ति है उसकी मुस्कान देखते हैं तो अंदर से ही लगता है कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, इतनी सुंदर मुस्कान किसी की कैसे हो सकती है, यही भाव आता है। तभी हम कह रहे थे कि वो बात ही नहीं है जो हम कह रहे थे, वो लोग वो उस मुस्कान में नहीं खो रहे हैं, लोग जो जो उन्होंने महसूस किया उसको क्यों नहीं महसूस करते वहां पर। माफ कीजिएगा, आप भी VIP होकर के गए थे और मेरे कितने फ्रेंड जाते हैं और आके यही कह रहे हैं बहुत अच्छे दर्शन हो गए, ये इंतजाम करके गए थे, वो इंतजाम करके गए थे। भाई मैं कोई इंतजाम करके नहीं जाना चाहती, मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह जाना चाहती हूँ और उसी तरह दर्शन करके आना चाहती हूँ। चलिए जय श्री राम। अच्छा मैं जयपुर अधिवेशन में बात करें, द्विवेदी जी, फिर आशा श्रीवास्तव जी, इस क्रम में चलते हैं, फिर बाकी लोग। तो सबसे पहले तो ओम जी हम सबको बधाई कि हम सब लोग मिल करके अधिवेशन किया, और यह कहते हुए मैं और जिम्मेदारी ले रहा हूं कि आप जामवंत बने रहिए, हनुमान बहुत है यहाँ। तो उस अधिवेशन की अच्छाइयां तो सब लोग जानते ही हैं और उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ सुझाव है और वो बड़ा कठिन भी है, लेकिन हम यदि उसमें प्रयास कर पाए तो ज्यादा अच्छा है। पहला ये है कि हमारे जो पार्टनर हैं वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझको लगता है कि वहां की मर्यादाएं और कम से कम वहां के इंस्टीट्यूशन के जो छात्र और छात्राएं हैं उन तक तो हम पहुंच पाते हैं। बाकी जैसे भोपाल में अधिवेशन हुआ, मैं इससे पहले भोपाल में ही जुड़ा हुआ था,
तो भोपाल का अधिवेशन वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं था, तो व्यवस्थागत सहायता हमको मिल सकती है, लेकिन अधिवेशन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है युवा पीढ़ी तक पहुंचना, तो शायद हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन और डिसिप्लिन भी है और एटीट्यूड है, वो भी बहुत बड़े मायने रखता है किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ही फुलफिल कर पाएंगे। तो हमारा प्रयास होना चाहिए, जैसे आपने मुझसे भी कहा था कि मैं जब अयोध्या गया था तो आप देख करके आइएगा, और मैंने प्रयास भी किया वहां पर, और जैसे आप मथुरा कह रहे हैं, तो हम ठीक है जगह चयन कर लें, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर एकाध पार्टनर हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो और जगह भी वही हो तो ज्यादा अच्छा है। ये मेरा सुझाव है। दूसरा, आप सारे टीम को इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए, चाहे चाहे वो सलाह लेना हो या पेपर के एवेल्युएशन करने के लिए हो, एब्स्ट्रैक्ट के लिए हो, प्रेजेंटेशन के लिए हो, चेयरिंग करने के लिए हो, सबके लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तो हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, बहुत सारे लोग को आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनकी रुचि और उनके एटीट्यूड के रूप में, तो कुछ लोगों का चयन करना चाहिए हमको और आयोजन से जुड़े तैयारियों में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए और उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आयोजन की रूपरेखा का उनको व्यक्तिगत अनुभव होगा, और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला जो केस होता है ना हमारे साइंटिफिक चीजों में, तो उनको धीरे धीरे जिम्मेदारियां दे सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का आप देख लोगे, स्टेज का आप देख लोगे, मंच का आप देख लोगे। तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि 2-3 सालों में कि आप गाइड करते रहेंगे और सारी टीम आपकी काम करते रहेगी प्रिपरेशन हो करके। तो आपको आपको श्याम भैया और शिव भैया और बहुत सारे लोग आपके पास टीम में है उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। ये दो सुझाव मेरे व्यक्तिगत सुझाव। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने नोट कर लिया आदित्य जी, एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। थैंक यू द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर बाद में आशा जी। जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं, मैं तो चाहता जरूर हूँ, मेरा उसमें है कि एक सेकंड लाइन जरूर तैयार होनी चाहिए, और ललन व्यास टाइप नहीं होना चाहिए कि उनके बाद फिर कार्यक्रम बंद हो जाए। तो एक सेकंड लाइन माने बनाए, भले एक छोटी सी कमेटी एग्जीक्यूट करने की बन जाए, और वो उसमें 4-5-7 लोगों का जो नॉर्मल ये फंक्शनिंग इस तरह से अपना होता है रामचरित भवन का, तो उसके उसमें वो एक कमेटी हो तो जरा ठीक रहेगा। ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से हो। और बाकी जैसा ये आदित्य बोल रहे हैं उस तरह से ठीक है, जब जहाँ पे कोई कार्यक्रम हो तय हो जाए, और वहाँ पे तय हो जाने के बाद सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाए तो वो भी ली जा सकती, जिम्मेदारी किया जा सकता है। तो इतना ही मेरा कहना था। अयोध्या के बारे में विनीता जी को कह रहा हूँ कि आपके चाहने से नहीं होगा, जिस दिन राम जी जाएंगे उस दिन आप जरूर दर्शन करने जाएंगी, जी बिल्कुल आपके बिल्कुल चाहने से नहीं होता है। और जी जो मुस्कान आपको फोटो में दे रही, बहुत सारे लोग वहां जा जाके मुस्कान देख करके महसूस करके आए, तो वो और 10-10 लाख लोग गए हैं, तो नॉन वीआईपी भी जा रहे हैं, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख, अभी भी 2.5 लाख लोग जा रहे हैं, तो माने नॉन वीआईपी भी जा रहे हैं। तो जिस दिन वो बुलाएंगे उस दिन आप जाएंगे, ये वही करवाते हैं। है तो ये इसलिए धैर्य रखिए, जिस दिन अच्छा, उनकी और इच्छा होगी। अधिवेशन से संबंधित कोई और सुझाव आपका? सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट की आपने बात की, और कोई दीजिए। अच्छा ठीक, अब आशा श्रीवास्तव ओम जी। जी, आशा जी मुझको 1 मिनट दीजिए। ओम जी, एक सुझाव मैं भूल गया था, वो बड़ा हाँ कठिन है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझको वहां जाकर के अनुभव किया, तो मैं नहीं जानता इसको हम लोग कैसे मेटेरियलाइज कर पाएंगे। यदि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें यदि मैक्सिमम लोगों का रहने की व्यवस्था एक जगह हो, तो उससे, क्योंकि देखिए हम मिलना जुलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, इतने दूर दूर से लोग आते हैं, और चूंकि अधिवेशन के दौरान हम तो बातचीत कर नहीं सकते, और जो बीच में जो अंतराल मिलता है वो भी इतना कम होता है, तो यदि ऐसा कुछ अवसर हो कि हम ये नहीं कहते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लें, तो ऐसी जगह चुने जहां पर मैक्सिमम लोग अकोमोडेट हो जाए, कम से कम उनकी सुविधाएं हो, ये भी ध्यान में रखा जा सकता है स्थान के चयन करते समय। ठीक है, बहुत धन्यवाद। मैं सारे ठीक है सुझाव ठीक लिख रहा हूँ, फिर बाद में इस पर थोड़ी सी है चर्चा सर। कर। अच्छा, दिनकर शर्मा, अधिवेशन दिनकर शर्मा जी आप हैं? देखिए, अब मैं थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ इस पर। जो दिनकर शर्मा जी ने आए थे अभी थोड़ी देर पहले, जिन्होंने अयोध्या में जो पत्थर प्रयोग किए उस पर चर्चा की, अब देखिए ये सिर्फ तीसरे दिन आए थे और सिर्फ अपना वक्तव्य देने के लिए आए थे, बाकी 2 दिन उन्होंने कुछ नहीं सुना, और फिर अब अभी हम इतने दुनिया भर के सुझाव देके चले गए।
से ये एक बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी भी अपनी बात की और चले गए, खिसक लिए वो नहीं दस सर, मिनट के मैं बाद। यहाँ पे मैं पूरे टाइम से सुन रहा हूँ और हाँ मैं तो सुनना सुनिए ना, आप चाहता हूँ। मेरी अगर बात मैंने सुनिए सर, दिनकर जी। देखिए मैंने सर कहा कि मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ और अज्ञानी? मेरे नहीं को नहीं नहीं आपने नहीं अवसर दिया। नहीं नहीं अज्ञानी नहीं, आप ऐसे आपने पूरा अधिवेशन सुना नहीं, आप तीसरे दिन आए सिर्फ आधे दिन के लिए, और फिर आपने इसी बहुत सारे लॉजिकल साइंटिफिक बेस्ड हमारे सारे कार्यक्रम इस प्रकार के हैं। सो हम तो जी बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि युवाओं को इन्वॉल्व करें, इतना ज़्यादा सर, प्रयास बिल्कुल मैं। क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे को भी कोई आप जिम्मेदारी देंगे, बिल्कुल मैं निभाऊंगा, क्योंकि इस तरह के शिक्षा विभाग की तरफ से कई सेमिनारों का आयोजन मैं यहाँ करता हूँ, जिसमें साइंटिस्ट भी आते हैं, और आप नहीं, छोटी देखो सी कोई भी जिम्मेदारी, आयोजन मैं कोई भी कर सकता है, आयोजन करना कोई इतने लंबी चौड़ी बात नहीं है, पर वो तो जिम्मेदारी मांग रहा हूँ सर आपसे। आप अच्छा निवेदन, आप अच्छा कहाँ? हाँ अच्छा जी, अच्छी जी सर, बात सुनी। जी सर, हमको तो यही कहना था कि देखिए अधिवेशन में जो हमारा अनुभव रहा वो तो अब क्या कहें, विनीता जी भी कह चुके, हमारे थोड़े शब्द अलग थे कि ओम जी ऋषि हैं, बस ये है कि हिमालय में नहीं रहते, ह्यूस्टन में रहते, इतना ही फर्क है, बाकी है वही। तो दूसरी चीज ये कि हम भी यही कहने वाले थे, जैसे आदित्य जी ने कहा, मेरा मतलब थोड़ा फर्क था कि जिस जगह पे आप करें, जो स्थान आप चुने विशेष रूप से, जैसे जयपुर में थे तो जो जयपुर जिस स्थान विशेष को चुने, उस स्थान विशेष के जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आप अगर जिम्मेदारी सौंप दें तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे। या छोटी छोटी जिम्मेदारियां, बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी देके नहीं देखिए। अच्छा हाँ अच्छा जी, मैं जरा आपको थोड़ा टोकता हूँ। हाँ सर देखिए बताइए। जैसे हमने भोपाल में की थी यहाँ की, तो यहाँ के उनके लोकल लोगों को हमने कांटेक्ट किया, यहाँ पे जयपुर में किया, कि जयपुर में जितने भी कॉलेजेस हैं, जयपुर में बहुत सारे कॉलेजेस होंगे राइट, ऐसा तो है ना, इतना बड़ा शहर है, उन सब जी कॉलेजों से आप कॉन्टेक्ट करिए और उनको मोटिवेट करिए कि आके अटेंड करें। रजिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है, बताया कि हम हमारे कॉलेज से हम 5 बच्चे भेज रहे हैं या 4 फैकल्टी भेज रहे हैं, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया और मतलब किया और कोई सक्सेसफुल नहीं रहा। तो कोई ये आप कहते हैं ना, ये सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुझाव है। इन थियरी इट साउंड्स वेरी गुड, बट इन प्रैक्टिस लोग कुछ नहीं करते, ये मेरा अनुभव है। भोपाल में तो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, क्या रामायण केंद्र, और उन्होंने कोई लोकल किसी इंस्टीट्यूशंस को, किसी संस्था को या तो कॉन्टेक्ट नहीं किया, या किया तो बिल्कुल असफल रहे। और ये एक वास्तविकता है। इतना अब हम तो अब जयपुर में कितनी हमने मैंने यहाँ तक कहा कि भाई जयपुर में जितने भी कॉलेज हैं उसके कांटेक्ट हमें दे दीजिए, उनके प्रिंसिपल के नाम और उनके व्हाट्सएप या ईमेल, ताकि हम उनको लिख देंगे, वो जानकारी भी हमें नहीं। मैंने कहा उसके लिए भी आप एक किसी को आपके ऑफिस में क्लर्क को उसको हायर कर लीजिए, उसका उसकी उसका जो पारिश्रमिक होगा, एक पर एक लिस्ट बना देंगे कि भाई ये 20 कॉलेज हैं, इनके प्रिंसिपल ये हैं, इनका ईमेल ये है, व्हाट्सएप ये है, उसमें उसका एक दिन का समय लगेगा, उसके एक दिन का जो भी पारिश्रमिक का वो भी मैं पे कर दूंगा। यहाँ तक मैंने ऑफर किया है ताकि हम उनको कॉन्टेक्ट कर लेंगे, वो भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात बता रहा हूँ कि वो कोई कोई प्रयास करता ही नहीं है, नोबडी पुट्स एनी एफर्ट एट ऑल। वो बन जाएंगे कमेटी वमेटी बन जाएंगी, कमेटियों का मुझे बहुत अनुभव है, 50 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन कर चुका हूँ, 1997 से शुरू किया था, और मैंने देखा कमेटियाँ बन जाती हैं और कमेटी में कोई काम नहीं होता है। दो चार 5-10% को छोड़ के बाकी लोग कोई काम नहीं करता, और फिर उनको आप निकाल भी बिल्कुल नहीं सकते, वो तो वो गले में फंसने वाली बात है ना, तो उनके बनता है ना निगल बनता है। तो या तो उस मैं कहता हूँ चलिए अगला कॉन्फ्रेंस जबलपुर में है या भोपाल में, या मुझे अब मुझे बताइए कि वहाँ पे एक कोई कमेटी, लोकल कमेटी बनाए, वो सारा काम करें, लोकल संस्थाओं को कांटेक्ट करें, उनको इन्वॉल्व करें, उनको आगे बताएं, कोई नहीं करता काम। ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। हमारा हमारे पे मेरा ये 26 साल का अनुभव है, 97 से मैंने ये काम शुरू किया, इसलिए वो सब कमेटी वमेटी बनाना मैंने सब बंद कर दिया, क्योंकि कुछ होता नहीं, सारी लंबी लंबी कमेटियाँ बनती हैं, कुछ नहीं होता। ये कमेटी एक फूड कमेटी बनेगी, 6 लोग फूड कमेटी में, वो इसी पे चर्चा करेंगे, समोसे बनेंगे, कचौड़ी बनेंगी। अब ये कोई मेरे बड़े बड़े लोगों को दिखा, बड़े बड़े निर्मा यूनिवर्सिटी में मैं डीन था, और वहाँ के जो मैनेजिंग ट्रस्टी बैठ के चर्चा करते थे, अच्छा वो आ रहे हैं तो हमें किस क्या नाश्ते में क्या कचौड़ी देनी है, पकौड़ी देनी है, मैंने कहा ये इसमें हमें समय वेस्ट करना चाहिए या नो, ये होता है। तो से कमेटी बनाना बहुत सरल काम है, मैं 25 25 कमेटी नहीं बना देता हूँ, आ, आ, ए, 25
फॉलो अब हम जैसे हमने हाँ ये जो आउटस्टैंडिंग पेपर अवार्ड के लिए कमेटी बनाई, 5-6 लोग को मैंने आमंत्रित किया और उनको भेजा। उनमें भी कुछ लोगों को मेरे को बार बार मेरे को रिमाइंड कराना पड़ा कि अभी आपका टाइम निकल गया, आप भेजिए भेजिए भेजिए, राइट। और सब सब अपनी स्वेच्छा से उन्होंने स्वीकार किया, जबरदस्ती तो है नहीं, राइट। हर चीज़ के लिए बार बार मुझे रिमाइंडर कराना पड़ा, पर हम तो बिल्कुल बात को एकदम पारदर्शी और ईमानदारी से करना चाहते हैं, तो इसलिए 5-6 लोगों का अभिप्राय लेना मैं आवश्यक समझता हूँ, नहीं तो हम ही बिल्कुल तानाशाह की तरह निश्चित कर लें कि चलो ये 5 अवार्ड विनर हैं, बात खत्म हो गई, राइट। पर वो तो हम नहीं करना चाहते, तो एक कमिटी सर, बनाना ये सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये कमेटी बहुत आइडियली कमेटी दे आर वेरी गुड थिंग्स, हमारा पर सर, ये हमारा एक मतलब बिल्कुल कोई नहीं था कॉर्पोरेट कमेटी बनाने का, अरे हमारा मतलब वो कॉर्पोरेट बिल्कुल नहीं था, हमारा नहीं, मतलब ये था, आप नहीं नहीं करोगे, सर अच्छा कुछ अच्छा और ये कहना चाह रहे थे, मेरी बात तो सही है, हाँ मेरा मतलब ये था कि आप इतने अनुभवी हैं, आप बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से, आप लोगों ने इतने लोगों को देखा है जिंदगी में, आप सबकी पर्सनालिटी से जरूर वाकिफ हो जाते हैं, मतलब 50-60-70% तक आप समझ जाते हैं, तो आप जो लोग जिनको आपको लगता है कि वो सिंसियरली कर सकते हैं, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और उनको कहिए, बजाय इसे कि आप कमेटी बनाइए, ये आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं और हमें लगता है आप कर लेंगे, जरूर कर लेंगे, क्योंकि इतना आपका अनुभव है, इतना ज्यादा, इतने सालों से आप मैनेजमेंट गुरु हैं, आसान बात नहीं, और तब इतने लोगों के सामने से गुजर चुके हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने इतने सारे काम किए हैं, तो आपको इतना तो अनुभव जरूर होगा कि आप कम से कम कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर सके जो ये काम करते हैं, बजाय ऐसे ही कमेटी बना दें उसमें सब वो अपना अपना झंडा लेके कह रहे हैं कि सब हम क्रेडिट ले रहे हैं कि सब हमने तो ये बनवा दिया, उतना ही नहीं, वो सब कुछ नहीं, किसी एक दो लोगों को, चार सबको नहीं, क्योंकि सब नहीं कर सकते, कमेटी उमेटी कभी काम नहीं करती, कोई भी काम नहीं करती, निश्चित रूप से नहीं करती, क्योंकि उसमें सब वो एक अलग तरह का अहंकार आ जाता है, मतलब अलग कॉम्पिटिशन, अलग अहंकार, वो कुछ अलग ही लेवल पे बात चली जाती है, वो नहीं, जिसको आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस व्यक्ति को क्या काम दे सकते हैं, इवन जैसे आपने कहा था कि हमने उसके लिए कहा था कि अब लोग डोनेशन वो क्या बोलते हैं, अरे मतलब जो भी देना है, फिनेंशियल जो भी करना है वो करें, तो वो भी अगर आप चाहें तो आप किसी किसी लोगों से आप कह सकते हैं, अधिकार से कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मना भी नहीं करेगा सर आपको, नहीं, ये कहने वाली बात नहीं है, बात थी ये बात सोचने वाली बात, ये कहने वाली बात नहीं हाँ है, वही बात है, सोचने हाँ वाली बात, ये मन मन से तो सोचने आप वाली सोचते नहीं बात कि है हम तो कि पहली बार ही जुड़े, हम तो अभी हम राजनीति इतना कौन इतना पूछे तो इतना हाँ इससे हम ये कई बार के बाद इस बात इस बार तो चलो ISIM ने काफ़ी हमें बहुत सहयोग दिया। लास्ट ईयर तो हमें हर एक एक छोटी छोटी चीज़ के पैसे भोपाल में हमें देने पड़े, वहाँ पर एक छोटा सा पोस्टर लगा है उसके पैसे अलग से, फोटोग्राफर के अलग से, वो बजा रहा है बाजा उसके पैसे अलग से, वहाँ पे पावर पॉइंट का लगा है गजब, सिस्टम उसके पास से पूरा, तो अब इसको अब ये सारे खर्चे लोगों को दिखाई नहीं देते, लोगों का ज़्यादा ज़्यादा खर्च दिखाई देता है, अच्छा ये लंच का खर्चा हुआ, ये हो गया, चलो जी पे तो बहुत है, पर वो बाकी जो इतने, और कई बार देखिए आप, देखिए आप जैसे साइट सीइंग हमने ट्रिप रखा, छोटी सी बात है, पर उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, अब साइट सीइंग में 17 लोगों ने कहा हम आएंगे, अब 17 लोगों की तो बस होती नहीं है, बस होगी अब 20 की होगी, 25 की होगी, 22 की होगी, जो भी होगी, अब 17 में से, हमारी फ्लाइट छूट गई थी अरे अब आप फिर पर्सनली ले लेती हैं ना, नहीं अपने नहीं, कह रहे हैं कि हमको तो जाना ही था मेरी बैग छूट गई थी मगर अब 17 में से 4 लोग एंड टाइम पे नहीं आएंगे तो 13 लोग आए, तो जो वो उसकी हाँ सही कॉस्ट बात है, कॉस्ट 20 के हिसाब से गई थी, अब 13 लोग आए तो 7 लोगों का कॉस्ट कौन देगा, वो जो उनको सोचना चाहिए, बाकी लोगों को सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, राइट। अगर आज आप फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं और कल आपका प्रोग्राम चेंज होने जाते हैं तो आप फ्लाइट के पैसे क्या इंडिगो वापस कर देता है, नहीं राइट, नहीं करता ना इंडिगो वापस, राइट। अब जब हम वापस आए थे तो मुझे भी थोड़ी टिकट US की चेंज करानी थी, तो करीब करीब पूरा का पूरा दोबारा टिकट खरीदना पड़ा, खरीदा खरीदना खरीदना पड़ता, पर मेरे इतना तो मैं नहीं करूँगा, तो चलो जो है सो सही। तो वहाँ पर हम ये नहीं सोचते कि अब मैंने भाई ये कहा था और मेरे, अब आप प्लीज़ व्यक्तिगत मत लीजिएगा, ये प्रॉब्लम ये ना इन बातों करने में नहीं लोग व्यक्तिगत ले लेते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, भाई हाँ मैंने हाँ कहा था साइट सीइंग में जाऊंगा, उसी हिसाब से उन्होंने हिसाब लगाया कि 1200 रुपये हर व्यक्ति के लगेंगे अंदाजन, अब मैं नहीं जा रही है, मैं नहीं जा रहा, 4 लोग नहीं गए तो 5000 रुपये का, अब ये बहुत छोटी सी अमाउंट है, राइट। पर वो हम सोचते नहीं है, हमें ये सोचना चाहिए कि भाई वो अब वो 5000 रुपये कहाँ जाएंगे, अब बोले मैं किस लिए दूँ, मैं तो गया ही नहीं ट्रिप में, मैं क्या करूँ, मेरी फ्लाइट छूट नहीं गई, अब ये हो गया मेरा, अब कौन सा भाई साहब, जैसे जो लोग गए थे ना
जो बैलेंस आया था ना, जब कम कम लोग हो गए थे, तो जो आया था तो उसको बाद में लेना चाहिए था। हम तो ये सोच रहे थे नहीं कि लिया था क्या? नहीं ठीक है, वो सिर्फ वो सब कर सकते हैं, इक्विटी फिर बात डिस्ट्रीब्यूट कर करो देते, तो इक्विटी बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूट कर देते था आप ना, सबसे इससे थोड़ी लेंगे मतलब जाके, अच्छा भैया कम लोग हो गए, कम लोग हो गए थे तो पैसा तो लगा ही होगा, पूरा आपसे 263 रुपये पैसा बाकी तो हैं, पूरा 263 रुपये बाकी हैं, ऐसा तो हम जाके करेंगे इंटरव्यू करेंगे क्या? क्या 263 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो ये तो हम करेंगे नहीं। तो मैं ये सब चीज़ों को एक छोटे से उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, आप इनको व्यक्तिगत मत लीजिएगा प्लीज, ये उदाहरण के रूप में नहीं दे ना, रहा टिकट हूँ। पहले आपने कहा था कि टिकट के पैसे लगेंगे, वो भी नहीं लिए आप लोगों ने। हाँ तो ये ना वही ना कि अब कहाँ ये 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये, हम तो ये सब ये पैसे भी इसलिए कि एक भी तक इस बार है, नहीं तो पता, अब हम कहते हैं साइट सीइंग टूर है पर फ्री है, कम से कम नहीं 50 रुपये हम नहीं आएंगे, 50 लोग कहते हैं कम से कम हम नहीं आएंगे, और फिर वो बूंद आप बूंद से तो सागर भरता है, मतलब अरे मेरी बात सुनिए, 50 लोग हम आएंगे और वहाँ पहुँचेंगे 20 लोग, तो ये अब 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस किस लिए है? अगर नहीं रखें तो ये कम से कम 300 लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस में आएंगे, और वहां दिखाई देते 30 लोग, ये हाँ दिस इज द प्रॉब्लम, वो मॉरल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि बहुत कम हमारी। है, बहुत मुझे को पता बहुत नॉमिनल था वो, तो कुछ मतलब कुछ हाँ था ही नहीं। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं समझते कि हाँ हमारी क्या एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं सर, वैसे जहां तक बस का मतलब उसका साइड सीन का मतलब, ये हमारा सुझाव है कि जो कुछ भी हो, ये बजाय से कि आप पहले से कोई अमाउंट निर्धारित करें, ऑन द स्पॉट जितने लोग आते हैं और जो खर्चा होता है उसको वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज अ बेटर आइडिया। अरे अब हम जन्म से बनिया है पर हमारे में ये लक्षण नहीं है ना, अरे अरे सर, इसका मतलब हमसे बनिया हम बैंक बनिया वाले लक्षण में आने काम करते चाहिए। करते हम ज्यादा बढ़िया हो गए। अब ये साइट सीइंग का पूरा काम मेरे अनुज श्याम ने संभाल रखा था, तो पूरा होने के बाद में कहा भैया कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मैं कुछ कुछ अब हिसाब किताब नहीं करना चाहता मैं, चलो जैसे तेरी मर्जी, हम बात खत्म हो गई, अब कहाँ इसका इसका हिसाब किताब करने बैठेंगे, राइट? इट्स नॉट वर्थ इट, राइट? तो एक सब मॉरल नहीं है, हमें अभी बड़े मोटे तौर पर, रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ा दीजिए कुछ। हाँ कुछ मोटे तौर पे हमें मैंने सोचना पहले चाहिए ही तो वहीं पे ओवरऑल, सागर कि हमें भरते। इतना एक महा अगर ये इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है तो इस महा, और फिर मैं फिर से मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ, भगवान ने हमें बड़ी असीम कृपा है हम पर, मुझ पर, मेरे दोनों भाइयों पर, हम सब प्रभु की कृपा से सब आर्थिक रूप से सब सब दाल रोटी हमें मिल रही है, कोई कोई हमें कोई शिकायत नहीं है, पर मैं ये नहीं चाहता कि कोई एक व्यक्ति को अहम हो जाए कर मैं ये कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, हम ये नहीं चाहते कि हम इस अहम में आ जाएं कि मैंने ये साइट सीइंग ट्रिप अरेंज किया है, मैंने ये फलाना अरेंज किया है, इस तरह का हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं सबको महसूस होना चाहिए कि हम सब कर रहे हैं, अनु तो ये इम्पोर्टेंट अनु बात। हाँ मीनू जी आप कहना चाह रहे कुछ नहीं सॉरी, क्या मेरा वो ऑन ऑन है? है? हाँ हाँ चलिए छोड़े, सॉरी। मैं जो भी कुछ उल्टा से उल्टा कह रहा हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर एक आपको ओवर हाँ एक एक होता है माइक्रो मैनेजमेंट, होता है कि मैक्रो मैनेजमेंट, यानी पूरे 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 पूरा इवेंट को देखना चाहिए, ये नहीं कि ये साइड सिंग है ये फलाना है ढिमका है छोटा मोटा, सही इस तरह बात से है। राइट, ओवरऑल मैक्रो हिसाब किताब देखना चाहिए कि मैक्रो मैनेजमेंट किस तरह से है। चलिए तो और कोई किसी का कोई सुझाव और कोई बात जो भी बहरहाल आप, अधिवेशन बहुत अच्छा रहा, हम दो पहले ही दिन जो पहली बार ही जुड़े थे, लेकिन बहुत बहुत सुखद अनुभव था, बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। आशा आशा जी की बात पर हम एक बात, जो लखनऊ में इतने कार्यक्रम होते हैं, हमने जो हाँ एटीट्यूड देखा है वो ये हाँ देखा है कि यदि कोई नेता आ रहा है तो जितने लोग अरे आते हैं वो वो तो सिर्फ बहुत गड़बड़ है। हाँ नेता से जुड़ने के लिए आते हैं, जैसे ही नेता जाता है हॉल खाली हो जाता है, बिल्कुल 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 या फिर वो कांटेक्ट बनाने आते हैं, या फिर एक अंतिम कारण कि वो व्यवहार निभाने आते हैं कि आप मेरे कार्यक्रम में आए थे, मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा हूँ। तो जिस तरह का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उन जी कर रहे हैं, आप वहां पर कोई ये करने, जितने लोग ये भी आए थे करने वो कोई नहीं ये आएगा, करने नहीं आए थे, नहीं नहीं आएगा कोई नहीं आएगा, ये करने तो कोई नहीं आएगा, वो इस भाव और सब से कोई पॉलिटिक्स नहीं का आए तो थे। आना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, पॉलिटिक्स का तो बिल्कुल दूर दराज से कोई संबंध ही रखना चाहिए, बहुत दूर, नहीं, एकदम हम बहुत तो दूर। वो जो बात है ना कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए, हम इस पर कह रहे हैं कि जो आपने कहा कि कमेटी बना दीजिए, उनको जिम्मेदारी दे दीजिए, उनको जिम्मेदारी, कमेटी का आशा मेरा जी मतलब, जिम्मेदारी देना या कमेटी हाँ बनाना, जिम्मेदारी कोई देना है, बुला नहीं सकता किसी को।
ये हम बता रहे हैं आपसे, लखनऊ में इतने प्रोग्राम में जाते हैं लोग, अपना कविता पाठ करते हैं और चल देते हैं कि हमें तो जाना है। अरे सबको जाना है भाई, 40 कवि बुला लिए जाते हैं और अंत में जो अध्यक्ष जो बैठा होता है उसको सुनने वाला नहीं होता है कोई। अध्यक्ष को आप क्या सम्मान दे रहे हैं? आप भगवान को जाने दीजिए, अध्यक्ष को क्या सम्मान दिया आपने? 4 आदमी नहीं होते उसे सुनने के लिए? यह हम वास्तविक और बैठे रहते हम कि नहीं भाई हम आए हैं तुम पूरा सुन के जाएंगे, तो हम सबसे बड़े फालतू हैं कि हम, और बाकी सब बहुत बिजी हैं, उनको सब जाना है सब जगह, यही एटीट्यूड जो पूरे लखनऊ में लोगों का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है वो वैसा ही तो रहेगा। जो वही जो आप बात कह रही हैं वो कहने में बड़ी सुंदर है पर प्रैक्टिकली होती नहीं है वो। ऐसी जगह आयोजन होना चाहिए जहाँ इतने साइट सीन वगैरह देखने की जरूरत ना पड़े, सीधे हाँ जैसे नैमिष में हुआ था ना एक दीर्घ सत्र, बस वैसी जगह चुनना चाहिए जिससे सबका ध्यान उसी में लगा रहेगा और अनावश्यक ये जो कोई आया कोई नहीं आया ये सब मनमानी चलती ना वो भी कम हो जाएगी और बिल्कुल फोकस जिस चीज पे चल रहा है ना वही मुमुक्षु वहां आएंगे और वही जिज्ञासु वहां बैठ के। वो थोड़ा जाता है आदमी माफ कहीं कीजिएगा, माफ कीजिएगा विजया जी, नहीं सहमत नहीं हम, माफ कीजिएगा। अच्छा श्याम कुछ कहना चाहते हैं, पर श्याम से पहले किसी और का हाथ था, किसका था जी? भाई सब मैं बोलूं, दिनेश। हाँ हाँ दिनेश जी, हाँ कही दिनेश जी, नमस्कार। सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मेरा तो ये पहला अधिवेशन था रामायण पर, लेकिन जिस तरह का आयोजन किया गया, जिस स्तर का, शायद हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ, वहाँ पर भी इस लेवल का एकेडमिक डिस्कोर्स। दूसरा, मैं कोशिश कर रहा था कल से, क्योंकि ये अनाउंसमेंट आ रहा था कि शनिवार को 9 बजे से ये इस पर चर्चा होगी, तो मैंने शुरू से सारे प्रोग्राम की डिटेल देखी, तो ऐसा लगा कि जो थीम है उसमें क्वालिटेटिव जो पेपर्स हैं उनके टाइटल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सर, उनमें काफी क्वालिटेटिव चेंज है। शुरू के 2 अधिवेशन में शायद ज्यादा मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी फोकस था, लेकिन अब बिल्कुल इस बार ऐसा लगा, और मैंने तीसरा और चौथा अधिवेशन के सारी रिकॉर्डिंग सुनी, मतलब सुनी का मतलब सारी मोटे तौर पर देखी, 3 घंटे सुबह लगाए, 3 घंटे अभी लगाए शाम को तीसरे अधिवेशन में, और चौथे अधिवेशन जो हमारे वक्ता है उनकी भी क्वालिटेटिव, क्योंकि जैसे विनीता जी है तो उनका जो मैं तीसरा अधिवेशन शायद गांधीनगर गुजरात में था, गुजरात विद्यापीठ में, उस समय की जो उनकी बोलने की शैली थी और जो उनका कमांड था, और आज का जो कमांड है उसमें क्वालिटेटिव चेंज है। सो ए सो विद जो मैडम हैदराबाद से हैं उनका, तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये एक उच्च स्तर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, आप इसको जैसे लेना चाहें वैसे लें, लेकिन ये मैंने आज कल और आज बैठकर ये समझ में आया कि इस अधिवेशन की एक ऊंचाई पर ये जा रहा है। जहां तक अरेंजमेंट और व्यवस्थाओं की बात है वो इतनी कोई महत्वपूर्ण बात भी नहीं है जितना भाई साहब कह रहे हैं, उतना छोटा मोटा, क्योंकि जिस लेवल का इंटरवेंशन आप रखते हैं, हर हर एसएमएस, हर ईमेल, हर व्हाट्सएप, शायद हम लोग तो उसका 5% भी नहीं करते एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उतना केयर नहीं करते, बिल्कुल ही नहीं करते, जितना आप हर एक मैसेज के प्रति कितना सेंसिटिवनेस आप रखते हैं। तो मेरे को लग रहा है जो प्रयास आप कर रहे हैं शायद उत्कृष्ट श्रेणी के प्रयास हैं, आपको मैं साधुवाद देता हूं और मैं विनम्र आपके सामने ये सारी अपनी बातें बांध रहा हूं। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। दिनेश जी तो जयपुर के ही रहने वाले हैं। हाँ, और एनीबॉडी एल्स? हाँ नमस्कार जी, मैं संतोष मिश्रा जबलपुर से बोल रहा हूँ। हाँ संतोष जी नमस्ते, जय श्री राम। सर स्वास्थ्य कैसा सर आपका 2 मिनट में? हाँ काफी इम्प्रूवमेंट है, सांस चल रही है। नहीं सर खैर, सर मैं इसलिए थोड़ा सा मैं सुनता रहा, मेरे जितने पूर्व वक्ताओं ने बड़ा अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। लोगों का एक साथ यदि रहने की व्यवस्था हो जाती है, भले ही जो चार्जेस वगैरह है वो हम लोग पे कर देते हैं, तो उससे क्या इंटरेक्शन का काफी अच्छा मौका मिलता है। दूसरा सर,
चूंकि जयपुर क्या है ऐसी लोकलिटी है सर कि जहाँ लोगों को पहुंचने में खैर एक प्रकार का कोना है तो वहाँ दिक्कत जाती है सर आने जाने में। जबलपुर शहर का मैंने देखा सर यहाँ पे क्या है कि यहाँ अच्छी टीम है सर और पब्लिक की गैदरिंग भी बहुत अच्छी होती है तो उससे क्या है कि आम लोगों को बहुत ईजी होता है सर और दूसरा हमारा प्रचार भी बहुत अच्छा होता है सर। जबलपुर में पब्लिक की इतनी अच्छी गैदरिंग होती है और इतना अच्छा डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी हैं उनका सर इतना अच्छा सहयोग रहता है और मेरे ख्याल से जो है इजिली अप्रोचेबल वो सिटी है सर तो यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है सर। और जिस हिसाब से आप परेशान हो रहे थे तो मेरे को कष्ट हुआ थोड़ा सा कि हर चीज़ में स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी आप लगे रहे और छोटी छोटी चीज़ें जो है सब आपने केयर किया सर पीछे बैठ के आगे भले ही नहीं पीछे में हमने देखा आपको कहीं भी घुस के आप आराम से बैठ के जो है सब देखते थे व्यवस्था सर तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। दूसरा सर मेरा ये मानना है कि जहाँ तक अयोध्या का जो केंद्र बना हुआ है हमारा उसको हमें विस्तृत नहीं करना चाहिए उसको हमें उठाना है उसका गौरव जो है वही हमें जो है मान दिलाएगा। अयोध्या की बात खत्म हो गया उस विषय को मत लीजिए। हाँ तो उसको उसको हमें गरिमा में बना के रखना है और कार्यक्रम जो है सेंटर्ड करना है रामायण पे सर। बहुत सी चीजें लोग इलेक्ट्रिक पत्थर और इन सब के बताते हैं मंदिरों की क्वालिटी का तो ये सब चीजें तो एक ऐसी चीज है कि इसको लेख में भी दिया सकता ना कि किसी प्रकार का जो है वो कई चीजें अवेलेबल हो जाती है केमिकल स्ट्रक्चर और क्या क्या है सर। कुछ लोग जो है राम के अलावा जो है कुछ मैंने देखा कुछ रावण वावण के बारे में राक्षस के बारे में बता रहे थे वो हमारे संस्कृति के हिसाब से ठीक नहीं लगा मुझे। बाकी सिलेक्शन कमेटी है वो थोड़ा सा अपना देखे कि ऐसे मैटर नहीं आए तो ज्यादा बेहतर है सर। ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एनीबॉडी एल्स समय अपना हमारा करीब एक घंटा से ज्यादा हो गया सर। श्याम ठीक सर थैंक यू सर थैंक यू संतोष। मेरी तरफ से तो सिर्फ एक दो जैसे काफी सारे सुझाव आए मैं समझता हूँ कि जो लोग सुझाव दे रहे हैं उसका कॉन्क्रीट एक्शन कर बताएं किस प्रकार से करना है वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा कि यहाँ कर लें वहाँ कर लें। आप बताइए कहाँ पर क्या एग्जैक्टली और टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए तब बात करिए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। तो मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि आप कह बहुत तो रहे बहुत लोगों ने कहा अरे फलाना कर लेंगे फलाना कर लेंगे कौन करेगा आप बताइए आप क्या करेंगे। और देन वील डू ठीक है आप मुझे लिखित प्रस्ताव भेजिए कहाँ पे होगी रहने की क्या व्यवस्था होगी इसकी फाइनेंशियल अरेंजमेंट क्या होंगी तो वील डेफिनेटली जबलपुर। बिल्कुल सर या तो दूसरी बात उसके बाद कही थी साइड सीन ये एक प्रकार का एक यू नो साइड जिस प्रकार से बोलते हैं कि भाई बहुत सारा सीरियस बिजनेस हो रहा है साथ में ये जरूरी नहीं है ये मैं ये मेरे ख्याल से प्रोग्राम का हिस्सा तो है ही नहीं और ये पूरी तरह वैकल्पिक है तो जिसको आना है आइए और पूरी तरह से कहा ही था कि भाई आप और ये बात तो सही है कि भाई आप बोल रहे हो एक बार कह रहे हो कि हम आएंगे तो व्यवस्था उस हिसाब से होती है तो ये आपकी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप बनते हैं कि भैया क्या खर्चा हुआ हमें बताइए। परंतु शायद किसी ने नहीं पूछा किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि हम नहीं आ पाए थे पर हमें बताइए कितने पैसे देने किसी ने मुझसे नहीं बात की तो ये तो आपको खुद सोचना है ना। सवाल पैसे का नहीं हम पहले भी बता चुके हैं पैसे का नहीं सवाल उसकी है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं उसकी बस मैं यही कहना चाहूंगा और मैं मुझे और तो मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं पर वो ये जो आप सुझाव दें उसके साथ आप बताइए आप उसमें क्या करना चाहते हैं किस प्रकार की जिम्मेदारी लेंगे। ओके थैंक यू श्याम। तो आई थिंक ये मैं ये बात हम लोग कई बार इस पटल पर कर चुके हैं कि अब इस तरह की जरा बातें कुछ कम हो गई हैं वो अच्छी बात है। पहले हम लोग कई लोग बैठ के इस बात पर ही करते थे कि भाई औरंगजेब ने ये किया और मोहम्मद गजनी ने ये किया और फलाना ढिमका तो मेरा तो उसका ये उत्तर था मोहम्मद गजनी ने वही किया जो उसको ठीक लगा। हाँ उसने गलत किया हमारे दृष्टि से पर उसको तो उसको वो ठीक लगा उसने वो किया
प्रश्न ये कि आप तो मोहम्मद गजनी को तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो मर मर आ गया, औरंगजेब भी मर गया, आप उसका भी कुछ नहीं कर सकते। आज हम क्या कर, और मे बी मोर स्पेसिफिकली ये बात मैं कई बार ये कह चुका हूँ, अपने आप से हम ये प्रश्न करके मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हम भी नहीं, मैं मैंने पिछले 2 साल में क्या किया है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, या जो भी उद्देश्य हो जीवन में, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा है सिर्फ सलाह देने के अलावा और बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा, तो सब बेकार। सो बॉटम लाइन ये है, हम अपने आप से पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। हम बड़ी बातें सब कर सकते हैं, और मेरे पास कई इस तरह के उदाहरण है, पर अब समय बहुत गर्द नहीं आ जाता हूँ। तो हम आपस में जो भी आपने सुझाव दिए उन सब आपका बहुत बहुत स्वागत, हम पूरा प्रयास करेंगे। खास करके जो सुझाव हैं वो है ये है कि एक तो पार्टनर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यू नो कि जो जहाँ पर नए लोग जुड़ सकें, अदिति जी ने कहा था, और भी मधु चतुर्वेदी जी का भी बहुत स्ट्रांग सजेशन है, वो वैसे आ जाए नहीं। तो अगर आप समझते हैं कि आपके शहर में कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, तो वहाँ पर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो जो पार्टनर बनने को तैयार हो, उसकी गुड क्वालिटी हो, उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो, ये नहीं हो कि वहाँ पर आके वो सब वहाँ के जो MLA और MP और गवर्नर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर फलाने ढमका के बैठ जाएं, IAS ऑफिसर्स, पूर्व IAS ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स। तो अगर वो हाँ वो रामायण के प्रेमी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो उनका स्वागत है। इसलिए नहीं कि वो IAS ऑफिसर हैं, इसलिए नहीं कि वो कलेक्टर हैं, इसलिए नहीं कि वो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, फलाना ढमका। तो आप पार्टनर इंस्टीट्यूशन ढूंढिए, मुझे बताइए कि ये पार्टनर हाँ इस इंस्टीट्यूशन में ये पार्टनर तैयार है, हमारा एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है, उसे हम एग्रीमेंट हम भेज देंगे और उसको वो साइन कर रहा है। और दूसरा सजेशन ये था कि स्टे सब लोग एक साथ रहें, वो भी आप बताइए कि वहाँ पे कहाँ सब लोग रह सकते हैं, उसका क्या कॉस्ट है। तो इन ये दो चीज़ें आपके प्रपोजल के साथ तो होनी चाहिए, तब हम इसको तो हमने पूरा इस तरह का बहुत पूरा प्रयास किया है। लास्ट ईयर भोपाल में बहुत प्रयास किया कि हमें ऐसी कोई जगह मिल जाएगी, लोग रह सकें, पास में रह सकें, वहाँ तक यहाँ तक होटलों के नाम तक हमें नहीं मिले, वो भी हमें ढूंढने पड़े। ये हकीकत है, और ये काम जयपुर में हमें करना पड़ा, हालांकि जयपुर में इनका थोड़ा सहयोग मिल गया। तो कहाँ स्टे किया जा सकता है, उसका क्या कॉस्ट है, जो द्विवेदी जी का और कई मित्रों का सुझाव है, सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट, आई विल डेफिनेटली डू इट, बट लेट मी जस्ट सी हाउ मेनी पीपल आर रियली डू। तो हमारा हर शनिवार को रामचरित मंथन का प्रोग्राम होता है, इसी से शुरू करते हैं। तो इसमें आप सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट में आप लोग आइए कि मैं इस रामचरित मंथन के प्रोग्राम में ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो हर सैटरडे ऑनलाइन है, इसमें तो बहुत कम काम है, उससे पता लग जाएगा। हमारे यहाँ ये कहावत थे पुराने के, आदमी आता है अपने बाल कटवाने नाई के पास कि मेरे कितने कितने बाल हैं नाई, तो नहीं कहता यजमान अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि कितने बाल हैं तुम्हारे। तो आप जो शनिवार का ऑनलाइन प्रोग्राम है उसमें आप प्रपोजल दीजिए कि मैं इस शनिवार का ऑनलाइन प्रोग्राम में ये जिम्मेदारी लेता हूँ या ये करना चाहता हूँ, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हम क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ सेकंड लाइन ऑफ कमांड हम बना ले हैं मैंने कॉन्फ्रेंस में, उसमें वो करें नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, इन फिर तो ना तो उनको हम निकाल सकते हैं, खुद भी करो वो भी नहीं करेंगे, तो आप इज़ ए ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही आशा जी का सुझाव था। तो सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आई एम वेरी वेरी ईगर, वेरी रेडी, बट लेट्स स्टार्ट विथ श्री रामचरित मंथन एक्टिविटीज जो सैटरडे को होती है। अभी तो कॉन्फ्रेंस अब अगले साल ही होगी 2025 में कभी, राइट? तो 6 महीने में पता भी लग जाएगा। तो आप प्रपोजल भेजिए कि मैं इस रामचरित मंथन के प्रोग्राम में ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, और ये मेरा प्रपोजल है। आपने संतोष मिश्रा जी जो बात की वो तो वही बात मैं रिपीट कर चुका हूँ, आप जबलपुर पता लगाइए कोई जो सुझाव आए लोगों का, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो गुड क्वालिटी की हो, जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो, रहने की व्यवस्था हो, इस तरह का पूरा प्रपोजल हमें भेजिए, बिल्कुल हम तो जबलपुर में अवश्य आएंगे। और वहाँ पर जो तो इतने यदि सुझाव मुझे मिले हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मन में आपकी बात रह गई हो तो मैं हम सुनने को तैयार है, किसी के मन में कोई बात है? सर मैं लास्ट में कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ हाँ डॉक्टर सुरेशा कहिए। सर चार चीज हमारी कॉन्फ्रेंस में बहुत यूनिक थी। नंबर वन, बुक का जो लॉन्च हमने कर दिया है सेम डे, राइट? अभी तक मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है एंड जनरली ये होता है कि बुक 1 साल बाद आता है, 6 महीने बाद आता है, काफी बार तो नहीं भी आता है।
और ये हमारे बुक में 46 चैप्टर्स हैं जो सारे ऑलमोस्ट मेजर पॉइंट्स वहाँ पे कवर किए गए हैं बुक में। तो जो भी कोई पढ़ेगा तो उनको पता चलेगा कि क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव मतलब प्योर रिसर्च भी वहाँ पर है एंड कंसेप्चुअल पेपर्स भी वहाँ पर है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन नंबर वन। सेकेंड एक था कि कॉन्फ्रेंस में हमें वॉलंटियर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा था। तो स्टूडेंट्स वर वेरी एक्टिव थ्रू आउट द कॉन्फ्रेंस। हमें एकेडमिक इंस्टीट्यूट का बेनिफिट वो मिला कि नो डाउट वेलकम तो उनका अच्छा ही था डेफिनेटली। रजिस्ट्रेशन भी वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे और साथ में उनका जो किट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कुछ भी जरूरत है तो स्टूडेंट वॉलंटियर्स प्लस उनका पूरा स्टाफ राइट उनका एंकरिंग से लेके सब कुछ तो देवर वेरी एक्टिव। हर जगह पे उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। नंबर थ्री हमारा एक यूनिक था ये कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे हमने सारे प्रेजेंटेशन एक ही जगह से करवाए। सो सारे प्रेजेंटेशन हमारे हॉल में ही हुए। सो हर एक व्यक्ति के पास वो चांस था कि वो प्रेजेंटेशन को सुन पाए एंड वो डिटेल में उसको समझ भी पाए। तो वो जनरली हमें भी पता है कि सारी कॉन्फ्रेंस में ये मुमकिन नहीं हो पाता बिकॉज अलग अलग ट्रैक्स होते तो अलग अलग 6-7-8 क्लासरूम्स में चलते हैं तो ऑडियंस भी डिवाइड हो जाता है। तो ये थर्ड चीज़ था। एंड फोर्थ था टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली कि ये हमने ऑलरेडी इस पूरी मीटिंग में डिस्कस भी किया है कि अगर हम एग्जैक्ट 10 मिनट्स में हर एक व्यक्ति अपना खत्म कर पाता है तो बस एक वही चीज़ था जहाँ पे नो डाउट हमने वो भी टाइम कवर कर लिया था बिकॉज कहीं कहीं वो टाइम मैनेज हो गया था। ये चार चीज़ बहुत अच्छे से हुई एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस वॉज वेरी मच सक्सेसफुल। एंड मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था रामचरित मंथन में। नो डाउट एम्स में तो मैं काफ़ी सालों से ऑलमोस्ट आता हूँ बट मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय हो गया आप समापन करें। अगले शनिवार को आप चूँकि रामनवमी आ रही है रामलला हर साल प्रकट होते हैं। ये भी एक प्रश्न बच्चे लोग पूछते हैं कि हर साल कैसे जन्म होता है। जन्म तो एक बार होता है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप हर साल आप जन्माष्टमी मनाते हैं हर साल कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं हर साल राम भगवान प्रकट तो आदमी एक ही बार होता है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर भी चर्चा करेंगे पर अगले शनिवार को भाई आदित्य हाँ हाँ हम बन सकते हैं राम इस पर वक्त भी देंगे। आदित्य जी आपको पता ही है शायद अभी है कि नहीं है सुन तो रहे हैं। जी अब जी मैं हूँ। बहुत बड़े चिंतक हैं और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं ये इन्हीं की पुस्तक पर आधारित इनका वक्तव्य है। तो आदित्य जी आपको सुनने को हम तत्पर हैं अगले शनिवार को। उसके साथ ही हमारे इस रामचरित मंथन के ऑनलाइन कार्यक्रम के 4 साल अगले सप्ताह समाप्त हो जाएंगे। जहाँ तक मैं अपना कैलेंडर देख रहा हूँ कि ये ऑनलाइन रामचरित मंथन कार्यक्रम ने 18 अप्रैल 2020 को आरंभ किया था तो जब 18 अप्रैल तो आ गई तो 4 साल समाप्त हो जाएंगे तो 13 के बाद में 20 अप्रैल को अभी मेरे अगर आपका कुछ सुझाव हो अभी मेरा इस समय मैं कई झमेलों में फंसा हुआ हूँ तो अभी तक मैं निश्चित नहीं कर पाया क्या करना चाहिए। कोई सुझाव है आपका 20 अप्रैल को क्या करें। हमने जो 4 साल पहले हमने शुरू किया था इस पर के कौन है राम हु इज राम उस विषय से ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हुआ था। आई थिंक विनीता जी आप थी वक्ता कामेश्वरी जी थी डॉक्टर महावीर अग्रवाल थे और ध्यान नहीं आ रहा कौन थे। तो कोई सुझाव 20 अप्रैल को क्या करना चाहिए कोई ले रहा है जिम्मेदारी 20 अप्रैल के कार्यक्रम के संचालन की पूरा पूरा प्रोग्राम आयोजन 20 अप्रैल को यात्रा कर रहे हैं। नहीं 20 अप्रैल सेकंड लाइन ऑफ कमांड मैनेजमेंट 2 सप्ताह हैं 20 अप्रैल का पूरा कार्यक्रम की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार है आप जो चाहे करिए 20 अप्रैल। और दूसरी डेट कौन सी है। नहीं अगले सप्ताह 13 अप्रैल तो आदित्य जी वक्त भी देंगे ही उसके बाद में जो है वो 20 अप्रैल मई में हम अब मई की क्योंकि अप्रैल में बढ़ाते हैं क्योंकि आई थिंक रामनवमी है 17 अप्रैल को रामनवमी है वो तो बीच में वीकडे है बुधवार को तो उसके पहले वाले सैटरडे को आदित्य जी का वक्त हो जाए और दूसरे 20 अप्रैल को राम जन्म संबंधित या राम राम जैसे लेके कुछ भी कार्यक्रम हो जाए। चलिए इसका कोई अगर इस पूरे कार्यक्रम 20 अप्रैल का एक एक सिर्फ से एक सवा घंटे के कार्यक्रम का पूरा
पूरा आयोजन के कोई जिम्मेदार लेने के तैयार हो तो मुझे कल तक, आज का दिन तो समाप्त हो गया पर कल रात तक मुझे मैसेज भेज दें, नहीं होगा तो फिर मैं मुझसे जो जो हो पड़ेगा मैं करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असितो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।